नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अन अकेडमी व्हिच इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। यू नेम अ कोर्स एंड अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू विद दैट कोर्स। नॉट ओनली डज अन अकेडमी हैव कोर्सेज फ्रॉम क्लास 1 to 12, बट इट ऑल्सो गिव कोर्सेज ऑन कंपेटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, whether it's UPSC, whether it's JEE Mains, whether it's NET, An Academy provides you courses on all of these. And not only are these courses taught by one of the finest educators in India, but these educators are highly qualified in their respective fields. So what are you waiting for? Just download the An Academy app, enroll yourself in any of the courses of your choice, and do not forget to use my code PJAIN10 and you will get 10% off. Yes, you heard me correct. You'll get straight away 10% off on any of the courses of your choice if you use my code. So just download the app and enroll yourself today. An Academy पे आपको ना केवल notes मिलते हैं but live classes होती है, टीचर और स्टूडेंट का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, एजुकेटर और पेरेंट्स कनेक्ट करते हैं। हम आपको स्टडी मटेरियल तो देंगे ही बट आपका एक स्टडी प्लान भी बना के देंगे। इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक जगह पे, दैट इज अन अकेडमी। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूज माई कोड, गेट 10% ऑफ एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर। But before that, let me tell you something about myself. My name is Pratiksha Jain. I'm one of the educators at An Academy. I teach social science to class 7. I've done my graduation from Delhi University and I have done my Bachelor of Arts in psychology. So that was all about myself. Now, we'll start with Geography Chapter 1, Environment. But before we start, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। देखिए, एक चैप्टर पढ़ के मैं पढ़ा दूंगी, आप पढ़ लेंगे और आप एग्जाम पास भी कर लेंगे, अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। बट अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है, तो नॉलेज कहाँ से आएगी? और नॉलेज आ भी जाएगी तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज होगी। एंड वी एट अन अकेडमी बिलीव दैट प्रॉपर एंड कम्प्लीट नॉलेज इज द बिगेस्ट वेपन वन कैन पोसेस। तो ये ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है, आइए देखिए। ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। सो ज्योग्राफी मीन्स, एक लिटरल वे में हम कह सकते हैं, राइटिंग ऑफ द अर्थ या राइटिंग अबाउट द अर्थ, मतलब अर्थ का डिस्क्रिप्शन इज ज्योग्राफी। व्हेन वी कंबाइन द टू वर्ड्स जियो एंड ग्राफी, दैट इज ज्योग्राफी, देन द मीनिंग ऑफ द एंटायर टर्म ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द अर्थ। सो अर्थ के बारे में कुछ भी, अर्थ के कॉम्पोनेंट्स, अर्थ की कितनी लेयर्स है, अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स है, हर कॉन्टिनेंट में क्या वेजिटेशन है, एवरीथिंग रिलेटेड टू अर्थ इज टॉट इन ज्योग्राफी। आई होप आपको सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर होगा, दैट इज व्हाट ज्योग्राफी मीन्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द टर्म एनवायरमेंट मीन्स। क्योंकि आज का हमारा चैप्टर एनवायरमेंट है, जानना बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। सो जस्ट लाइक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट भी अलग लैंग्वेज के वर्ड से बना हुआ है। सो एनवायरनमेंट और एनवायरनेरल इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड या फिर सराउंडिंग। और हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एनवायरनमेंट? ये नेबरहुड और सराउंडिंग तो मैंने सिर्फ टर्म का मतलब बताया, बट अगर हम डिटेल में समझना चाहें कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, देन बिफोर दैट लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो यू गो आउटसाइड योर रूम, स्टैंड इन योर
balcony or go to your terrace and look around. What do you see? Of course, you'll see a lot of things. You'll see sky, you'll see birds, you'll see clouds, you'll see humans, you'll see tall buildings, you'll see long roads, you'll see plants and trees, you'll see animals, and you can see a lot of other things. The list will just continue. But try making a list. Ek list banao. Kya kya dikh raha hai? Ek list jab bana lo, then do another thing. Just classify whatever you have written into natural and human. मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप अपनी लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो भी चीजें आपने अपनी लिस्ट में लिखी है, या तो वो हम नेचुरल कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, यानी जो भी चीजें हमें नेचर से आ रही है, या फिर हम उन्हें ह्यूमन कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मतलब जो भी चीजें ह्यूमंस ने बनाई है या ह्यूमन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें हम ह्यूमन कैटेगरी में डाल सकते हैं। जब आप ये कर लो, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी लिस्ट में जो भी चीजें लिखी है, वो इन दो कैटेगरी के अंडर फॉल करती है। देयर वोंट बी एनी थर्ड कैटेगरी, व्हाटएवर यू विल सी विल फॉल अंडर दीज टू कैटेगरीज, दैट इज नेचुरल एंड ह्यूमन। ये दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, नेचुरल कॉम्पोनेंट एंड ह्यूमन कॉम्पोनेंट। व्हेन दीज टू कॉम्पोनेंट्स इंटरैक्ट, या जब ये दो कॉम्पोनेंट मिक्स होते हैं, तब बनता है एनवायरनमेंट। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वो ट्री से आते हैं, सो हमें उन ट्री से फ्रूट्स चाहिए। सो वी बेसिकली इंटरैक्ट, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर इंटरैक्टिंग with a natural component. So, jab natural component, that is fruit in this case, and when humans, that is us, when we both combine, when we both interact, jab natural or human components combine hote hain, in dono ke combination ko kehte hain environment. So, in literal terms, ya ek aasan bhasha mein main kahun, environment is basically जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, व्हाटएवर इज सराउंडिंग अस, हमारा नेबरहुड जो भी है, वेदर देयर इज एनिमल, वेदर देयर इज प्लांट, वी इंटरैक्ट विद देम ऑन डेली बेसिस, एंड दैट इज हाउ एनवायरनमेंट इज फॉर्मड। आई होप व्हाट इज एनवायरनमेंट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट वील टॉक अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड देन वील लुक अपॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता क्या है? बहुत सिंपल चीज है, जो भी चीज हमें नेचर से मिलती है, हमें ऑटोमेटिकली मिलती है अपने पर्यावरण से, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर नेचुरल एनवायरनमेंट। सो प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, लैंड, सनलाइट, एयर, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है, दे ब्रीद, दे सर्वाइव, उन सब को हम बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, ये सब नेचुरल चीजें हैं, दे आर पार्ट ऑफ नेचर, इन सब के अंदर लाइफ है, दैट इज वाई दे फॉल अंडर बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। और जितनी भी चीजें जो नॉन लिविंग है, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी सनलाइट, लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीजें जिनके अंदर लाइफ नहीं है, वो सब एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ भी चीज जिससे ह्यूमन इंटरैक्ट करता है, या जो चीजें ह्यूमन ने बनाई है, या जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती है। सो ह्यूमन कम्युनिटी, रिलीजियस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, हाउस, रोड्स, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब अगर हम इसे समराइज करके फिर से आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो
सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, सारी ह्यूमन क्रिएशंस, यानी जो भी चीजें ह्यूमंस ने बनाई है, और ह्यूमन इंटरैक्शन, जिन भी चीजों के साथ ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, और एग्जाम के टाइम पे तो स्पेशली याद रखना, क्योंकि 90% ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो भी चीजें हम नेचर से लेते हैं या जो भी चीजें हमारे पास नेचर से डायरेक्टली आती है, जैसे प्लांट, एयर, सनलाइट, वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। वहां पे ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। और जो भी चीजें ह्यूमंस खुद बनाते हैं या ह्यूमन से रिलेटेड है या जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ लेट अस स्टडी द डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी हमने ये तो समझा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, उसके अंदर क्या आता है, बट नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन्स भी हैं। तो देयर आर फोर डोमेन्स, और जो डायग्राम, जो पिक्चर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, उससे आपको थोड़ा क्लियर भी होगा। बट लेट अस स्टडी दीज फोर डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन डेप्थ। ये चारों होते क्या है? सो लेट अस स्टार्ट विद लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बेसिकली लैंड होती है, जहां पे हम खड़े होते हैं। ऑल ऑफ दैट सर्फेस, वेदर इट्स अ प्लेन सर्फेस, एकदम ऐसा प्लेन है, या फिर कोई इररेगुलर सर्फेस है, जैसे कोई माउंटेन या प्लेटो, कोई भी ऐसा सर्फेस है जहां पे हम खड़े हो सकते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और स्फेयर यानी डोमेन। तो जहां पे भी पानी है, कोई भी वाटर बॉडी है या कोई भी वाटर बॉडी का फॉर्म है, वेदर इट्स ओशन, रेन, सी, कुछ भी, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर। एक चीज ये भी याद रखना कि लिथोस्फेयर यानी जहां पे भी हम खड़े हो सकते हैं। तब हम हाइड्रोस्फेयर पे तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पानी पे खड़ा हम हो ही नहीं सकते, हम डूब जाएंगे। ये हमेशा याद रखना, जहां पे भी हम खड़े हो सकते हैं दैट इज लिथोस्फेयर, जहां पे भी पानी है दैट इज हाइड्रोस्फेयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जितनी भी एयर है इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज विंड और द एयर विच वी आर ब्रीदिंग राइट नाउ, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर एटमॉस्फेयर। ये भी फिर से याद रखना, हम एटमॉस्फेयर में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि क्या हम हवा में खड़े हो सकते हैं? क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता, राइट? तो जहां पे भी हम खड़े हो सकते हैं दैट इज लिथोस्फेयर, जहां पे भी पानी है दैट इज हाइड्रोस्फेयर, और जहां पे भी हवा है, जिस भी फॉर्म में है, आंधी आ रही है, तूफान है, देयर इज हैवी विंड, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। नाउ बायोस्फेयर क्या होता है? जहां पे भी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज बायोस्फेयर। हम इनके बारे में और डिटेल में अभी जानेंगे, इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, या ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर, जैसे मैंने कहा, लैंड है, जहां पे भी हम खड़े होते हैं। इट इज बेसिकली अ सॉलिड क्रस्ट, या फिर द टॉप लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की काफी लेयर्स होती है, बट जो टॉप लेयर होती है जहां पे हम खड़े होते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बेसिकली रॉक्स एंड मिनरल से बनी होती है। रॉक्स यानी पत्थर, चट्टान, और मिनरल्स यानी आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं जो लिथोस्फेयर में मिलते हैं। सो लिथोस्फेयर इज फुल ऑफ मिनरल्स, एक सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी मिनरल्स हैं वो सब लिथोस्फेयर से ही आते हैं। इट इज कवर्ड बाय सॉइल। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा जहां हम खड़े होते हैं दैट इज लिथोस्फेयर, और अब आप कह रही है कि जो भी लिथोस्फेयर है दैट इज कवर्ड विथ सॉइल। सो लेट मी क्लियर दैट डाउट फॉर यू। देखो आप
भले ही रोड पे खड़े हो या एक प्लेन सीमेंटेड सरफेस पे खड़े हो, इनके नीचे भी सॉइल है। ये सारे सरफेस सॉइल के ऊपर ही बनाए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा इनको डिग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे सॉइल ही है। तो वेदर यू स्टैंड ऑन रोड, वेदर यू स्टैंड ऑन टेरेस ऑफ योर हाउस, आपका हाउस भी मिट्टी के ऊपर ही बना हुआ है। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सिर्फ प्लेन सरफेस नहीं होंगे कि प्लेन सपाट सड़क है या प्लेन हाउस है या आपके घर का पैसेज जो कि एकदम प्लेन है। लिथोस्फेयर इररेगुलर सरफेस भी हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स या प्लेटोज या प्लेन्स, ये सब भी लिथोस्फेयर के अंडर आते हैं। अब लिथोस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो लिथोस्फेयर हमें दो चीजें देता है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड। फॉरेस्ट यानी जंगल एंड ग्रासलैंड इफ आई से, तो कभी आप ट्रैवल करते होगे तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, एक बहुत बड़ी जमीन होती है, वे देयर इज यू नो ग्रास, घास होती है और शीप या गोट वहां पे अपने उन ग्रास को खा रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज ग्रासलैंड, एक बड़ी सी फील्ड जहाँ पे ग्रास है, फॉरेस्ट यानी जंगल। ये सब चीजें हमें लिथोस्फेयर से मिलती है। नॉट ओनली दैट, लिथोस्फेयर आल्सो गिव्स अस एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। अगर खेती बाड़ी ही नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? तो लिथोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप लिथोस्फेयर के सारे फीचर्स और सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाइड्रोस्फेयर। जैसा मैंने बताया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। सो एनीथिंग दैट हैज वाटर और रिलेटेड टू वाटर कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर। इट इज द डोमेन ऑफ वाटर। नाउ वाटर बॉडीज किसी भी टाइप की हो सकती है, वेदर इट्स ओशन, वेदर इट्स सी, वेदर इट्स लेक, या फिर इवन जो हम पानी पीते हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर। नाउ ये डोमेन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी, आई रिपीट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। हम 3-4 घंटे पानी नहीं पिए तो हमें बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, वी स्टार्ट फीलिंग डल। अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, दे वोंट बी एबल टू गिव अस फ्रूट एंड देन वी वोंट बी एबल टू ईट देम, तो इट इनडायरेक्टली अफेक्ट अस। एनिमल्स को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो भी मर सकते हैं। सो इन अ वे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोस्फेयर एंड दैट इज वाई दिस डोमेन इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी और जिस भी प्रकार का पानी या वाटर बॉडीज, all of that comes under hydrosphere. Now we come to atmosphere. जो अर्थ होता है उसके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है एयर की, दैट इज नोन एज एटमोसफेयर। और जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, वो एटमोसफेयर को होल्ड करके रखती है अर्थ के अराउंड, जिस कारण से हम ब्रीथ कर सकते हैं एंड एयर इज इन अबंडेंट क्वांटिटी। हर जगह एयर है, दैट इज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर होती है। व्हेन वी स्टेप आउटसाइड आवर हाउसेस एंड और वी आर सिटिंग इन अ कार, तो हर जगह एयर होती है, बट वहाँ पे पॉल्यूशन होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं पॉल्यूशन के, या फिर वहाँ पे मॉइस्चर हो सकता है, या फिर वाटर वेपर हो सकते हैं जो हमें अपनी आईज से दिखते नहीं, बट ऑल ऑफ दैट इज प्रेजेंट। इवन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ऑल ऑफ दीज गैसेस आर ऑल्सो फाउंड इन एटमोसफेयर। ये हमारी एयर में मिक्स होती है, हम इन्हें देख नहीं सकते, बट ऑल ऑफ दिस इज देयर। नाउ अगर एटमोसफेयर में कुछ चेंज आता है तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आता है। कभी कभी कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है, वेदर बहुत खराब है,
यहाँ का अच्छा नहीं है, सर्दियों में आना तब क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। ऑल ऑफ दैट इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो जो हमारा मौसम है, जो हमारा सर्दी गर्मी डे लाइट ऑल ऑफ दैट ऑल्सो चेंजेस एंड एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, हमें एटमॉस्फेयर चाहिए क्यों? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव सम एटमॉस्फेयर? तो पहले जैसा कि मैंने कहा, एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ होता है। इट्स अ थिन लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। उसके अलावा जो सन की जो डायरेक्ट हीट होती है उससे भी हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। सो दैट्स व्हाई एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सन की जो डायरेक्ट हीट हमें लगती है या फिर उसकी जो हार्मफुल रेज होती है, अगर हम उससे नहीं बचेंगे तो हमें बहुत सी डिजीजेज और स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। कैंसर एंड स्किन प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। तो एटमॉस्फेयर जो है हमें इन सब चीजों से बचाता है। नाउ वी कम टू बायोस्फेयर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मीट करते हैं उसको कहते हैं बायोस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक बीच पे खड़े हैं, तो बीच के एक साइड पे पानी है, देर कैन बी सी देर कैन बी ओशन, और बीच के एक साइड पे लैंड है और वहां पे एवरीवेयर इज एटमॉस्फेयर बिकॉज द एयर दैट वी ब्रीथ इज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जहां पे भी ये तीनों डोमेन मिलते हैं, वेर एवर दीज थ्री डोमेन्स इंटरैक्ट और वेर एवर दीज थ्री डोमेन्स मीट, दैट इज नोन एज बायोस्फेयर। द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेर लैंड यानी लिथोस्फेयर, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर एंड एयर यानी एटमॉस्फेयर, जहां पे ये तीन लेयर्स या तीन डोमेन्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। एंड बायोस्फेयर हमारी लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज ऑल अबाउट बायोस्फेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन इकोसिस्टम, जिसके पार्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स, एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ह्यूमन बीइंग्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, क्योंकि अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स लाइक काउस और बफलोज, जो हमें दूध देती है, या फिर एनी अदर एनिमल दैट गिव्स अस प्रोटीन्स या मिनरल्स एंड लैंड। तो ह्यूमन बीइंग्स इन हर चीज पे डिपेंडेंट है। वहीं अब अगर हम प्लांट्स का एग्जाम्पल दे तो प्लांट सनलाइट पे डिपेंडेंट है। जब तक सनलाइट नहीं होगी प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड। प्लांट इज डिपेंडेंट अपॉन सॉइल, क्योंकि सॉइल से वो मिनरल्स लेती है। प्लांट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन लैंड एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमंस। अगर ह्यूमन सही टाइम पे खेती बाड़ी नहीं करेंगे या क्रॉप्स को नहीं काटेंगे या इवन पानी नहीं देंगे तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई प्लांट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन बींग्स एंड लैंड एंड एवरीथिंग। नाउ एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो प्लांट्स भी खाते हैं। एनिमल्स फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। एनिमल्स हो सकता है छोटे दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हो, इफ वी टॉक अबाउट लायन और टाइगर, ये सब छोटे छोटे दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन सम वे, या फिर मैं ये कहूँ दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो भी चीज उनके आसपास है वो उन पे डिपेंडेंट है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही हूँ और इफ यू आर स्टडिंग इन योर रूम और आपके पास आसपास कोई ट्री नहीं होगा, कोई प्लांट नहीं होगा, तो आप खाओगे क्या? यू कांट एग्जिस्ट विदाउट दीज पीपल।
आपकी जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है, हम सब उस पे डिपेंडेंट हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंडेंट है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ह्यूमन बीइंग्स इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एंड उनकी जो सराउंडिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनकी सराउंडिंग का ये जो इंटरडिपेंडेंस का जो रिलेशनशिप है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट इकोसिस्टम। एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग हो सकता है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, हर टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग एनिमल्स या ट्रीज या ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं। एक ओशन का इकोसिस्टम बहुत अलग हो सकता है जहाँ पे छोटी मछली और बड़ी मछली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, मरीन प्लांट्स पे वो लोग डिपेंडेंट हो। तो हर जगह का अलग इकोसिस्टम होता है। जिस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। आई होप इकोसिस्टम का जो ये कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी अगेन कम बैक टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक सोचने की बात ये है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, ह्यूमन अपनी नीड्स, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता चलता है। तो जो पहले के जमाने के जो पहले लोग रहते थे, वो जो नेचर होता था, जो प्लांट्स होते थे, जो फ्रूट्स होते थे या जिस भी सराउंडिंग में वो रहते थे, वो उन्हीं चीजों से अपना सर्वाइवल कर लेते थे, वो उन्हीं चीजों से अपना गुजारा कर लेते थे। सो अर्ली ह्यूमन बींग्स बेसिकली फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम नेचर। उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो नेचर से ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते थे। फिर थोड़ा टाइम बदला, फिर ह्यूमंस ने नए नए तरीके निकाले, दे स्टार्टेड मॉडिफाइंग द एनवायरमेंट। उनकी ह्यूमन बींग्स की जब नीड्स पड़ गई तो उन्होंने एनवायरनमेंट को ही चेंज करने लग गए, वो एनवायरनमेंट को ही मॉडिफाई करने लग गए। दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, अलग अलग टाइप की खेती बाड़ी करने लगे, उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक डॉग्स, बफलोस, काउस, जो उन्हें एग्रीकल्चर में भी बहुत हेल्प करती थी। सो इन अ वे ह्यूमन स्टार्टेड चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट। जैसी ह्यूमंस की नीड थी वो उनको उस अकॉर्डिंग चेंज करते गए। देन फिर थोड़ा टाइम और चेंज हुआ, फिर थोड़ा टाइम और, जब और डेवलपमेंट होने लगा तो व्हील का इन्वेंशन हुआ, चक्का। पहले के टाइम पे व्हील को कहते थे चक्का, उसका इन्वेंशन हुआ। फिर छोटी छोटी बैलगाड़ियां बनने लगी, यू नो, जिसमें व्हील होते हैं, एंड बफलोज यूज टू पुल दोस बुलॉक कार्ट्स। बैलगाड़ियां बनने लगी, जो खेती बाड़ी होने लगी वो एक्स्ट्रा बचने लगी। तो ह्यूमन बीइंग थोड़ा अपने और अपनी फैमिली के लिए सेव करके उसको आगे सेल करने लगे। उनका जो बची हुई खेती बाड़ी थी, जितना प्रोड्यूस था, दे स्टार्टेड सेलिंग इट इन द मार्केट। फिर ट्रेड सिस्टम आने लगा, कॉमर्स सिस्टम आने लगा, कम्युनिकेशन होने लगा, ट्रेडिंग होने लगी। लाइक यू गिव द मनी एंड यू टेक द क्रॉप, यू गिव द मनी और यू बाय समथिंग एल्स। सो धीरे धीरे ये सारे डेवलपमेंट आने लगे। और अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो देर वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय ह्यूमंस फॉर द ह्यूमंस। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पे सारा काम मशीन से होने लगा। हर सिटी, हर विलेज, हर स्टेट में इंडस्ट्रीज बनने लगी। देर आर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स इन ऑल सिटीज एंड ऑल द स्टेट्स टूडे। तो ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आ गई इंडस्ट्रीज की, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिससे मशीनरी, गुड्स, प्रोडक्शन सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा, बिकॉज जो चीजें फैक्ट्री में बनने लगी उनको पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना पड़ा। सो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स में या फिर कार्स में, ऑटो में, ये ट्रांसपोर्टेशन होने लगे।
फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, आज हम यहाँ बैठ के कहीं पे भी बात कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ आज मैं अपने घर से पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर से पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का ही एक प्रोडक्ट है। कम्युनिकेशन, आज हम एक ईमेल डालते हैं और वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो ईमेल पहुंच जाता है। सो ये सब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन के कारण ही पॉसिबल हुआ। सो दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। जो भी इस चैप्टर में मैंने जिस भी वे में आपको समझाने की कोशिश की होगी, एंड इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। सो प्लीज लेट मी नो आपको कैसा लगा। आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कॉमेंट करिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा मिस कर दिया हो उनके लिए भी है, एंड इवन फॉर ऑल यू ऑल द व्यूअर्स ऑल द पीपल हु वांट टू एनरोल देमसेल्व्स एट द अनअकैडमी ऐप। नाउ अनअकैडमी पे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा क्या है दैट यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट? सो लेट मी टेल यू, अनअकैडमी जो है वो आप अपने कंफर्ट फ्रॉम योर होम से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर में कहीं पे भी बैठ के ये वीडियो देख सकते हैं, अनअकैडमी के लेक्चर सुन सकते हैं, अपनी पढ़ाई अनअकैडमी के थ्रू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स होते हैं वो पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं। अनअकैडमी पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। जो भी आपके डाउट है अनअकैडमी पे आप 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, जो एजुकेटर या आपका जो मेंटर आपको एक अनअकैडमी असाइन करेगी, एंड दोस मेंटर्स विल गाइड यू विद ऑल द थिंग्स। नॉट ओनली दिस, अनअकैडमी आल्सो प्रोवाइड यू विद अ स्टडी प्लान, कैसे किस टाइम पे कब तक आपको कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको जल्दी याद हो सकता है, ये सब स्टडी मटेरियल आपको अनअकैडमी देती है। So that your learning experience becomes very smooth and you start learning in a smart way. जितने कहते हैं ना hard work से ज़्यादा ज़रूरत smart work की होती है, so Unacademy does that for you. सिर्फ ये नहीं, Unacademy पे live test series होती है, Unacademy आपको practice test देता है ताकि आप अपनी progress देख सकें, analyze कर सकें and accordingly अपनी study schedule को बना सकें. And there are batch courses. तो और आपको जो भी कोर्स पढ़ना हो, जिस भी क्लास के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, there are certain batches at Unacademy and you'll start learning with एक कम्युनिटी बन जाती है बेसिकली, एंड एक प्लेटफॉर्म है Unacademy और इतने सारे बेनिफिट्स हैं। सो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन फीचर्स। नाउ I'll come about the pricing. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं iconic plus subscription के prices सारे आपकी स्क्रीन पे हैं। 24th month के, 18 month के, 15 month का, 12 month का price, 6 month के price सब आपकी स्क्रीन पे available हैं। आपको अपनी convenience के लिए जैसे भी आपको पढ़ना हो आप इतना मनी अनअकैडमी को दे सकते हैं। और जितने मैंने अभी आपको सब्सक्रिप्शन फीचर्स बताए, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड PJAIN10 टू गेट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफ योर चॉइस। जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप टुडे, सब्सक्राइब योरसेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग द बेस्ट From the best, use my code to avail 10% discount. Iconic subscription की अगर हम बात करें तो iconic subscription के तो और ज्यादा benefits हैं। आपको एक personal mentor मिलेगा जो आपको हर चीज के लिए guide करेगा। You know, एक 1-to-1 relation होगा। Live classes होंगे, live doubt clearing sessions होंगे, weekly आपको report मिलेगी कि आप या आपका बच्चा
पूरे वीक में क्या प्रोग्रेस की, ताकि आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके बहुत अच्छे से अपनी जो स्टडी है, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. प्लस द एजुकेटर ऑल्सो कनेक्ट विद द पेरेंट, सो देयर इज अ पेरेंट एंड एजुकेटर कनेक्ट. आपको स्टडी प्लान मिलेगा, आपको जितने बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी, आपके जितने भी बेनिफिट्स अनअकैडमी देता है आपको वो सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस अगेन आपकी स्क्रीन पे है. 24th मंथ के कितने हैं, 18 मंथ के प्राइस, 15 मंथ का अगर आप पैकेज लेते हैं तो कितना प्राइस लगेगा, 12 मंथ का अगर आप लेते हैं तो कितना प्राइस लगेगा. सो ऑल ऑफ दैट इज मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन. ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, सब्सक्राइब योर सेल्फ, एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफ योर चॉइस एंड अनअकैडमी आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव करेगा, दैट इज गारंटी. लाइव सेशन से, डाउट क्लियरिंग सेशन से, पर्सनल मेंटर से, मेंटर कनेक्ट से, बच्चा और एजुकेटर 1-to-1 कनेक्ट करेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJIN10 एंड यू विल बी एबल टू गेट 10% ऑफ. और सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलेंगे. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल के साथ वीडियोज बनाने में. प्लस इट विल बी अ बूस्ट टू आर हार्डवर्क. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू अस एज एजुकेटर्स. टूगेदर यू एंड अस कैन क्रैक इट. So let's crack it. Please subscribe to the Unacademy channel. We are there to support you. We are there to crack all the exams and avail success. So that was all from my side. Thank you so much. And again, do not forget to like, share and subscribe. Agar aapne bell icon nahi bajaya hai, to please hit the bell icon and get the latest notifications on your phone. So thank you so much. And that was all from my end. Thank you.